अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाए। ये तो एक गीला पटाखा जैसे है, कोई आवाज नहीं सुन सके। भाषण सुना डेढ़ घंटे, लेकिन इसमें कुछ नहीं था। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला यूनियन बजट का हम स्वागत करते हैं। बजट में है ही कुछ नहीं, सिर्फ डेढ़ घंटे का राजनीतिक भाषण था वित्त मंत्री जी का। एक नए भारत का निर्माण करने का जो एक प्रधानमंत्री की सोच है, उसका दिशा दर्शन इस बजट में हुआ है। आप देखा गया, मैं 2,00,000 करोड़ रुपए की खरीद होगी, मैं पिछले साल कितनी खरीद थी आप वो बता दो, उससे कितना आपने बजट में बढ़ाया और वो किस प्रावधान में जाएगा। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को इस बजट से सबसे अधिक लाभ। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर चुनाव के पॉपुलर शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री के साथ हाजिर हूं मैं, रुमाना इसार खान जी। शाम के 6 बज गए हैं और आज कौन बनेगा मुख्यमंत्री का स्पेशल एडिशन बजट बाजार से, क्योंकि आज देश का आम बजट आया है और ऐसे में इस बजट को लेकर सियासी प्रतिक्रियाएं हम सबके सामने हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से, बीजेपी के नेताओं मंत्रियों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो बजट है वो दूरदर्शी बजट है, ये जो बजट है वो अमृतकाल वाला बजट है। लेकिन अब सवाल ये कि जिस तरीके से चुनावी माहौल है, 5 राज्यों में चुनाव होना है, क्या ये अमृतकाल वाला बजट बीजेपी को सत्ता का अमृत 5 राज्यों के चुनाव में चखा पाएगा? इसी को लेकर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने किया एक त्वरित सर्वे। आंकड़े आगे आपका इंतजार कर रहे हैं और जल्दी से आपका परिचय कराती हूं। रोज की तरह आज के आंकड़ों पर चर्चा करने के लिए ग्राउंड से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स की टीम मौजूद है। निधि श्री हमारे साथ जुड़ेंगी मथुरा से, इटावा से अजय दुबे हमारे साथ होंगे, अलीगढ़ से मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ जुड़ेंगी और साथ ही आप देख रहे हैं 3 खास मेहमान जो यहीं बजट बाजार में मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर बद्री नारायण जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार दिबांग इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तो सबसे पहले आज के इस सर्वे का पहला सवाल, बजट सामने है, क्या इस बजट से बीजेपी को चुनावी फायदा होगा? यही वो सवाल जो सी वोटर लोगों के बीच लेकर गया और त्वरित सर्वे में लोगों की राय क्या सामने आ रही है, आंकड़ा क्या कह रहा है, जल्दी से आपको दिखा देते हैं वो नंबर जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। चुनावी फायदा क्या बीजेपी को मिलेगा इस बजट से, ये देखिए आंकड़ा आपके सामने है। 45% लोगों का मानना है हां बीजेपी को फायदा होगा, नहीं में जवाब दे रहे हैं 39% लोग, पता नहीं 16% कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा सर्वे का 45% जो कह रहे हैं बीजेपी को फायदा होगा। सबसे पहले सीधे आपको लेकर चलेंगे अलीगढ़ मनोज्ञा लोईवाल के पास और मनोज्ञा से जानते हैं बजट से, मनोज्ञा के पास हम चलें, उससे पहले आपको निधि के पास लेकर चलते हैं और निधि से जानते हैं। निधि, क्या बजट से बीजेपी की बल्ले बल्ले होगी, लोग क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, आज का बजट क्या कहता है, जिस तरीके से बजट आज पेश किया गया बीजेपी को फायदा होता हुआ दिख रहा है? देखिए, बजट तो जो सरकार होती है वो अपने फायदे के लिए ही किया जाता है, आम जनता को ध्यान में रख के कोई बजट सरकार पास नहीं करती। कैसे कह सकते हैं, कैसे? 2014 से लेके आज तक माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कोई भी काम चुनावी फायदे के लिए नहीं किया, जिसमें देश का हित होगा, देश को आगे ले जाने वाली अर्थव्यवस्था जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की वो बात करते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए बजट पेश किया है उन्होंने। इस संपूर्ण कोरोना काल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती से संभाले हुए हैं। ये कुछ कह रहे हैं आप? ये बजट गरीबों से लूट और उद्योगपतियों को छूट, इस पर आधारित है। सत्तारूढ़ पार्टी है, इसमें पूछने की कोई बात ही नहीं है, तो अपने फायदे के लिए बजट है ही इन्होंने। मध्यम वर्ग के लिए कोई छूट नहीं है, नौकरी पेशा के लिए। मास्क, सर मास्क पहनिए। अगर गरीबों से लूट का अगर ये बजट होता तो 82 करोड़ लोगों को 2 साल से सरकार राशन दे रही है घर बैठे, ऐसी व्यवस्था में बजट में ऐसा क्या है जो पसंद आया? नहीं, उनको रोजगार क्यों नहीं दे रही? राशन देने से क्या होता है, आप उनको रोजगार दीजिए। सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे बजट में एक भी टैक्स नहीं बढ़ा के सरकार ने ये साझा किया है कि हम मिडिल क्लास के साथ है, गरीबों के साथ है जी। इतने
और इंफ्रास्ट्रक्चर पे 11% का इंक्रीमेंट दिया है गवर्नमेंट ने। ये सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट चाहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर से रोजगार बढ़ता है सर। 135 करोड़ लोगों का मुफ्त वैक्सीनेशन, 82 करोड़ लोगों को जो है राशन, और सबको राशन से शासन करना चाह रहे हैं। 325 रुपए का सिलेंडर 1050 रुपए का कर दिया, पेट्रोल का रेट बढ़ा। लोगों ने कितनी बारीकी से इतनी जल्दी इस बजट को समझ भी लिया है और इसके पक्ष विपक्ष में तर्क भी रख रहे हैं। सीधे हम आपको लेकर चलते हैं अलीगढ़ मनोज्ञ लोहिवाल के पास। मनोज्ञ, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये देश को आगे ले जाने वाला बजट है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं जरा उनसे पूछिए, ये देश को आगे ले जाने वाला बजट जो बीजेपी कह रही है, क्या बीजेपी को सत्ता दिला पाएगा? बिल्कुल, लोगों से ही पूछ लेते हैं, अलग अलग पार्टियों के समर्थक हैं। सर्वे का सवाल आज ये कि क्या ये बीजेपी के फायदे का बजट है, लोगों से ही पूछ लेते हैं। आप समाजवादी पार्टी से हैं, क्या ये बजट बीजेपी के फायदे का बजट है? बीजेपी के फायदे के तो सारे ही हैं बजट, जो भी हो रहा है, जो भी कर रहे हैं वो अपने वाला फायदे के लिए ही बजट मतलब पेश कर रहे हैं सब। क्या कहेंगे बीजेपी का ऐसा समर्थक? क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 10वां, अगर मोदी सरकार का माने तो 10वां बजट पेश हुआ है। इसमें कोई राहत नहीं मिली। युवा नौकरियों के लिए टीवी सुबह से खोल के बैठे थे, मगर निराशा मिली और निराशा लगातार मिल रही है। वर्तमान में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनावों को लेकर जिस क्षेत्रों में उन्हें फायदा होने वाला था उस क्षेत्रों में उन्होंने बजट पास किया। अन्य देखिए बयान एक के बाद एक, क्या कहेंगे? नहीं, बीजेपी को फायदा देने वाला नहीं, लेकिन ये देश की स्थिति को सही सही बयां करने वाला बजट है। इसमें ये कहना या ये देखना कि इससे अब कुछ को फायदा होगा कुछ को फायदा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। देश की जीडीपी बीजेपी के फायदे के लिए ही ये बजट आया है। आज से पहले कभी किसानों के एमएसपी पे गारंटी नहीं दी गई कि बंपर खरीद करी जाएगी, ये चुनाव के समय पे ही किसानों को बंपर खरीद करनी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो किसान याद आ गए। पार्टी बीजेपी जो भी बजट लेके आ रही है वो सिर्फ अपने फायदे के लिए लेके आ रही है, जनता के लिए कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, जो भी कुछ है वो सब देश के वासियों के लिए सही हो रहा है। जो भी बजट है वो तो अच्छा बजट है, बजट ठीक है। आपको भी अच्छा नजर आ रहा है? नहीं, बजट में मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल निराशाजनक बजट है। इस बजट से किसी का भी फायदा होने वाला नहीं है। बजट के बारे में जब लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं इस बार का बजट? बीजेपी का ही बजट नहीं, आम आदमी का बजट है और पार्टी ने सरकार ने सभी को देखते हुए बजट लाए हैं। सबको देखा है बजट से, अगर जनता को फायदा होगा तो बीजेपी को सही फायदा होना है और इसीलिए बजट लाया गया है। राजनीतिक बजट है क्या ये? राजनीतिक ही बजट है, चुनाव को देखते हुए बजट पेश किया गया है। उससे पहले जो बजट दिए थे सरकार ने वो ही आज तक पूरे नहीं, उसमें पेंडेंसी है। किसी में 50% पैसा दिया, किसी में 40% दिया, किसी में 60%। क्या कहेंगे बजट? बजट तो यही है कि भगवान का भला नहीं हो रहा किसी काम से, मतलब ये आवाम का भला नहीं है कि, लेकिन जनता के भी मतभेद और इसमें भी मतभेद के साथ कि किसका भला हुआ किसका नहीं हुआ। जी मैं लौटूंगी आपके पास मनोज्ञ, और इससे पहले हम इटावा दर्शकों को लेकर चले अजय दुबे के पास। यहाँ जो मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं उनसे जरा एक जल्दी जल्दी त्वरित टिप्पणी लेते हैं। विजय जी, आपसे शुरुआत करती हूँ, क्या ये चुनावी बजट है? क्या ये बजट बीजेपी को जीत दिला सकता है चुनाव में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये चुनावी बजट इस रूप में है। अगर ये हेडलाइन जाती चुनावी बजट तो इससे बीजेपी को थोड़ा सा नुकसान इस रूप में होता, क्योंकि विपक्ष भी कहता कि साहब देखो हार रहे हैं तो बजट भी चुनावी बना दिया। और जो जनता है 25% जनता उत्तर प्रदेश की जो अभी अनिर्णय की स्थिति में है, फेंस सिटर है, उसके बीच में मैसेज आता कि चूंकि ये हार रहे हैं इसलिए ये चुनावी बजट लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये जो नैरेटिव है ये कुछ बदलाव करने की कोशिश, कहीं ना कहीं साधने की तो सबको कोशिश की गई है ना। किसानों को लेकर साहब एमएसपी का जिक्र किया गया है, इसके अलावा जिस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना है और तमाम चीजें गिनाई गई है। रोजगार का मुद्दा बड़ा था तो फिर 60 लाख नए रोजगार का जिक्र भी कर दिया गया है, घर देने की बात कही गई है। तो कुल मिलाकर चुनावी बजट बीजेपी को फायदा दिलाएगा क्या? बिल्कुल रोमाना, मेरा मानना है कि इस बजट से बीजेपी को चुनावी फायदा होगा, क्योंकि इस बजट में बहुत सारे समूहों को, सामाजिक समूहों को के एस्पिरेशंस को पूरा करने की कोशिश की गई है। जैसे 80 लाख घर देने की बात की गई है, और आपको पता है कि जलते सड़क पर चलने वाले पांव एक छत की चाह में पूरी जिंदगी बिता देते हैं, और गरीबों के लिए कितना बड़ा सपना है। और एमएसएमई में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उससे इम्प्लॉयमेंट यानी एग्रीकल्चर के बाद जो दूसरा बड़ा सेक्टर है वो छोटी और लघु मध्य उद्योग ही हैं जिनसे नौकरियां मिलती हैं, तो उसमें, और फिर ढेर सारे किसानों के लिए। और सबसे बड़ी बात है रोमाना कि राजनीति में ये नहीं होता कि आपने क्या किया है,
कि उसका संदेश किस तरह से आप जनता तक ले जाते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मुझे लगता है बीजेपी उसमें माहिर है। हम सब जानते हैं। दिबांग देखिए जहाँ तक ये बात है जो बड़ी बात अगर बीजेपी कह सकती है तो ये तो ऑर्गेनिक फार्मिंग है गंगा के किनारे जो फार्मिंग वाली बात है वो बड़ी बात है। दूसरी जो घर वाली योजना है सबको घर देने की बात है लेकिन इसमें ध्यान दें तो लखनऊ में ही प्रधानमंत्री जी ने आज से चार साल पहले कहा था कि 2022 तक सबको घर मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश का ये आंकड़ा देखें जहाँ 24 करोड़ लोग हैं 9,88,000 घर अब तक बने हैं पर आप ये कह सकते हैं कि हमने 48,000 करोड़ आ गई ना बीच में जी बिल्कुल उसमें निकल गए और आप ये कह सकते हैं कि हम जी बिल्कुल और आप ये भी कह सकते हैं कि अब हमने 48,000 करोड़ रुपए रखे हैं इसके लिए और हम लोग 80,00,000 घर बनाएंगे तो आप सबका मौका आएगा। तो ये आपको कहने के लिए कुछ होना चाहिए वो है बीजेपी के पास विपक्ष के पास भी है तो ये एक ऐसा बजट है जिसमें बीजेपी जरूर कुछ कह पाएगी लोगों। ये बड़ी बात कह रहे हैं सर आपकी बीजेपी के पास भी कहने के लिए है विपक्ष के पास भी कहने के लिए। बीजेपी इस बजट को 10 में से 10 नंबर दे रही है विपक्ष इस बजट को 10 में से 0 नंबर दे रहा है और इस सबके बीच जनता इस बजट को कितने नंबर दे रही है। इटावा अजय दुबे के पास लेकर चलते हैं आपको। इटावा के लोग कितने नंबर दे रहे हैं इस बजट को चुनावी बजट मान रहे हैं क्या अजय? निश्चित ही जब से ये बजट आया है तो चाहे वो नेताओं की जुबान हो सोशल मीडिया हो या फिर गली नुक्कड़ चौराहों पर होने वाली चर्चा बजट कैसा है उसको लेकर चर्चा है। क्या ये सपा के नेता जी बताइए जो ये बजट आया है कैसे देख रहे हैं आप इस बजट को बीजेपी का फायदा क्या है नंबर कितना दीजिएगा? देखिए बजट के मामले में तो बीजेपी ने कभी हमेशा बजट को बिल्कुल फेल किया है। बजट का मतलब ही नहीं समझ पाते हम लोग कि बजट बीजेपी के नेताओं को आप बजट का मतलब भी बताइए क्या चाह रहे हैं। बजट किसानों की नहीं होना चाहिए बेरोजगारों की होना चाहिए फैक्ट्रियों की नहीं होना चाहिए LIC की नहीं होना चाहिए ये सिस्टम तो उसे बढ़ानी जी जानते हैं। जैसा देखिए जिक्र हुआ है अब तो MSP की बात हो रही थी दिन से नेता लोग कह रहे थे देखिए उन्होंने MSP का भी जिक्र है कैसा है ये बजट MSP के लिए जो भी उन्होंने जिक्र किया है बजट का आम जनता को फायदा चाहिए और आम जनता को उसका कोई फायदा नहीं है। भैया मिल रहा है कि नहीं फायदा बताइए बीजेपी के नेता जी हैं आप। सालाना 6,000 रुपये मिलते थे 8,000 रुपये हो गए और क्या चाहिए। धीरे धीरे किसान को सारी सुविधाएं मिल रही है जब किसान सुविधाएं नहीं मिल रही है तो अभी बहुमत आएगा मालूम पड़ जाएगा सुविधा मिल रही है नहीं। जो विरोध कर रहे हैं आपको क्या कारण लग रहा है राजनीतिक विरोध की वाकई में केवल राजनीतिक विरोध है केवल और कुछ नहीं है बस। बताइए सर विरोध राजनीतिक है कि नंबर क्या है आप लोग क्या नंबर दे रहे हैं इस बजट? इस बजट को 10 में से 2 नंबर दे रहे हैं। आप ये समझ लीजिए व्यापारी वर्ग को तो बुरी तरह तोड़ के रख दिया इस बजट ने। 14,00,000 करोड़ की GST वसूलने के बाद भी इस GST में इन्होंने कोई राहत नहीं दी है। लॉकडाउन के कारण व्यापारियों की कमर टूट गई थी। लॉकडाउन के कारण बंद दुकानों में बिजली की छूट नहीं दी है ना लोन के ब्याज में कोई छूट दिया है। इस कारण ये निराशाजनक बजट ये लेकर आए। ये मिक्स एक राय है राजनीतिक लोग हैं तो अपने जो बजट है उसको लेकर जो राजनीतिक स्टैंड है पार्टी का उसको लेकर पॉलिटिकल राय रख रहे हैं। बिल्कुल अजय मैं लौटूंगी आपके पास और अब आज के सी वोटर का अगला सवाल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं और ये दूसरा सवाल बेहद दिलचस्प हो जाता है क्योंकि ये सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके प्रचार के अंदाज से जुड़ा हुआ है और सवाल क्या है आइए सबसे पहले आपको सवाल दिखाते हैं और उसके बाद आंकड़ा आपके सामने होगा। सवाल बड़ा सीधा प्रधानमंत्री की रैलियों से क्या किसानों की नाराजगी कम होगी? आज के बजट को लेकर हमने देखा किस तरीके से धुआंधार ऐलान किसानों को लेकर किया गया है और ऐसे में आंकड़ा आपके सामने 46% कह रहे हैं हाँ प्रधानमंत्री की रैलियों से किसानों की नाराजगी कम हो जाएगी हालांकि 42% ना में जवाब दे रहे हैं 12% पता नहीं ज्यादा फासला है नहीं हाँ कहने वाले 46% नहीं कहने वाले 42% तो कुल मिलाकर ये फासला महज 4% का ही है। नाराजगी दूर होगी या नहीं होगी निधि आपके साथ जो लोग मौजूद है वो क्या कह रहे हैं चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उतरने से कैसा असर होगा? जी बिल्कुल देखिए मथुरा के लोग हैं यहाँ पर इनसे जरा जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार जो मेरी बात सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए वर्चुअल रैली की लगातार संबोधित कर रहे हैं तो इससे किसानों को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है क्या कहेंगे? कोई किसानों को फायदा मैडम नजर नहीं आ रहा होता हुआ ये इतने झूठे लोग हैं। 13 महीने किसान बॉर्डरों में पड़ा रहा कड़कड़ाती ठंड में कड़कड़ाती धूप में मेरी बात सुन लीजिए तब तो ये कहते थे ये पाकिस्तानी है ये खालिस्तानी है आज ये क्यों कहने लगे इनकी कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई आज ये कह रहे हैं ये किसान है। दूसरी बात देश के याद कैसे आई अब MSP लागू करने की बात आ रही है
700 किसानों को फायदा होता, किसानों का फायदा इसी सरकार में हुआ। पहली बार किसी सरकार ने ये सोचा कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। किसानों को मजबूत करना है या आप लोगों को किसानों को सब्सिडी देके उसको कमजोर करना है? कांग्रेस से जान लेते हैं, किसानों की नाराजगी दूर होते हुए नजर आ रही है प्रधानमंत्री मोदी की रैली से, क्या कहते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही। किसान तो उल्टा धुतकार रहे हैं, आप देख नहीं रही है? इनके जो विधायक हैं, जिनके जो मंत्री हैं, इनके 1,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने डायरेक्ट MSP ऐलान किया है, डायरेक्ट सब्सिडी ऐलान किया है। आज के बजट में 2,37,000 करोड़ का किसानों के लिए फायदा किया है। इनके विधायकों पर, जो विधायक प्रत्याशी हैं, उनके लिए दरवाजे नहीं खोले जा रहे, किसान लोग दरवाजे नहीं खोल रहे। इनसे कहा जा रहा है कि भाजपा कार्यकर्ता वापस जाओ, भाजपा प्रतिनिधि वापस जाओ। इनकी इन्हीं नीतियों से ये समाप्त होते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अब अप्रासंगिक हो गई है, बसपा अब अप्रासंगिक हो गई है, और इस चुनाव के बाद सपा और लोकदल भी अप्रासंगिक हो जाएंगे उत्तर प्रदेश की जनता के सामने। किसान लगातार मोदी जी के साथ है, किसान इतनी रिकॉर्ड खरीद गेहूं और धान की कभी नहीं हुई जो इस सरकार में हुई। कुल मिलाकर किसान आंदोलन जो एक मुद्दा है, ये मुद्दा तो गर्म है ही, खासतौर पर वेस्ट यूपी के लोगों के लिए। और ऐसे में यहाँ पर जो लोग खड़े उनकी अपनी अपनी राय दिख रही है। बीजेपी को जो समर्थन दे रहे हैं उनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से किसानों को संबोधित किया है पिछले कुछ दिनों में, उससे बीजेपी को फायदा तो जरूर होता आ रहा है। इसके साथ साथ जो संबोधन है वो किसानों के हक में है, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साइड से बात है जो उनके समर्थक है, उनकी राय थोड़ी अलग दिखती हुई नजर आ रही है। रोमाना, बिल्कुल अलीगढ़ लेकर चलते हैं अब दर्शकों को। मनोज्ञा लोहिवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज्ञा, अलीगढ़ के लोग क्या कह रहे हैं प्रचार में? प्रधानमंत्री क्या किसानों की नाराजगी दूर कर पाएंगे, हाँ या ना? देखिए, जल्दी से लोगों से पूछ लेते हैं क्या राय है, क्या प्रधानमंत्री की बार बार हो रही रैली से नाराजगी खत्म हो जाएगी किसान? नाराजगी कैसे कैसे खत्म हो जाएगी? जहाँ कोई नाराजगी नहीं है, पहली बात तो कोई नाराजगी नहीं है। जो किसान है, कोई किसान हम तो पूछिए, हम नाराज है मोदी जी के, हम नाराज है, हमारी नाराजगी दूर करिए आप। जिसका आगे आदमी खत्म हो गया, जिसका मतलब भाई खत्म हो गया, उसकी नाराजगी नहीं है। देश में कोई भी नाराजगी नहीं है, मोदी जी के साथ है। नाराजगी दूर करिए आप, कोई नाराजगी। आज 700 किसान जब मर गए तब नाराज उनके, जिनके घर में मौत हो गई है, क्या उनकी नाराजगी एक रैली से खत्म हो जाएगी? किसान मर ही नहीं सकता, किसान कभी नहीं मर सकता, सारे किसान मोदी जी के साथ है। भूल गए जब किसान मारे जा रहे थे, भूल गए आप, भूल गए किसान मारे जा रहे थे, हमसे बात कर रहे हैं। कह रहे नाराजगी है कि नहीं है, नाराजगी खत्म होगी प्रधानमंत्री? किसानों की नाराजगी इस सरकार के जाने के बाद ही खत्म होगी। किसान बहुत नाराज है, उसकी नाराजगी तभी दूर होगी जब ये सरकार चली जाएगी। किसान ना पहले नाराज था ना अब नाराज है। ये किराए के टट्टुओं को बैठा के उदम कटवाया गया, देश को बर्बाद किया गया था। चुनाव क्यों नहीं लड़ती ये सरकार? 5 साल की उपलब्धियों पे चुनाव क्यों नहीं लड़ती? इसने किसानों को रंग दिया, इस सरकार ने किसानों को मार दिया, व्यापारी की जमीनों पे नहीं। 84 के दंगे कब कांग्रेस ने करवाए थे? अगर अगर प्रधानमंत्री से नहीं मरवाए थे, बताइए कांग्रेस ने क्या करवाया था? कांग्रेस ने 60 साल और किसानों को कहां पहुंचा दिया? आपने हाईवे के नाम पर किसानों की हत्या करी है, कांग्रेस सारे देश को खा गई, कांग्रेस बर्बाद कर गई पूरे देश को। 7 साल से तो जो कुछ हुआ 7 साल में तो हुआ, 70 साल में तो बर्बादी हुई है। अगर कांग्रेस खा गई, कांग्रेस चली गई, अब ये बीजेपी वाले खा रहे तो बीजेपी भी जाएगी, उसी तरह से जाएगी बीजेपी, जो इसी तरह से जाएगी बीजेपी। कभी भी दूर नहीं हो सकती नाराजगी किसानों की। धूप, बरसात, जाड़ा, 3 तरीके के मौसम, और उस किसान ने 13 महीने झेले हैं। जिस किसान ने 13 महीने सड़क पे काट दिए, वो भाड़े के चट्टू थे, नहीं थे वो किराए के चट्टू थे, वो किसान थे नहीं। किसान के पास समय नहीं है, किसान नहीं थे वो, किसान ये सरकार अपनी उपलब्धियों पे चुनाव क्यों नहीं लड़ती है? ये क्यों कहती है कि ये गुंडे हैं, ये माफिया, इनको टिकट दे दी? इन्होंने 5 साल में क्या कार्य करा इसको क्यों नहीं बताते हैं? कोई कार्य इन्होंने अपना काम बताइए, काम क्यों नहीं बताती जी? काम क्यों नहीं बताती है? किसानों का पिछला बकाया जो इनकी गवर्नमेंट का था वो तगादा किया, वो तगादा किया। MSP का नहीं, अगर MSP बढ़ाई होती तो किसान माली हलाल हो, इनका विरोध क्यों मतलब करता? इसीलिए विरोध कर रहा कि उनको किसानों को बर्बाद कर दिया इन्होंने, उनके 700 लोगों को मरवा दिया किसानों को। कोई किसान नहीं मेरा, बीजेपी ने सारे चीनी मिल, सारे बंद चीनी मिल चालू कराए, गन्ने का MSP बढ़ाया है,
क्या कहा बढ़ा, किसका नहीं बढ़ा, जो कुछ नहीं बढ़ा इनका किसानों का, किसान मतलब मरवा दिए। और आपको कानून वापस लेना था तो एक साल पहले क्यों नहीं लिया, 700 किसान मरवाने के बाद में क्यों लिया कानून वापस? सरकार ने कानून वापस ले लिया तो भी इन्हें परेशानी है, नहीं लिया तो भी इन्हें परेशानी है। ये आंदोलन जीवी है, इनका काम है फिर आंदोलन करना, सरकार के कामों को विरोध करना। इस बार ये सरकार चुनी जाएगी किसानों और उद्योगपतियों के बीच में, क्योंकि आप किसानों के नाम पर किसानों को मारते हैं। आपने कानून बनाया, आपकी नजर में सही था कानून, तो वापस क्यों लिया फिर आपने कानून को? जो है कानून सिवाय अराजकता के कुछ भी नहीं था कानून के उसमें, जो है जी। और किसानों जनता को भ्रमित कराया इन लोगों ने, कानून वापस कराया। बिल्कुल मनोज्ञा, मैं लौटूंगी आपके पास। तो कुल मिलाकर ये अलीगढ़ से जमीन से आप आवाजें सुन रहे हैं, और जिस तरीके से सर्वे के आंकड़े में मामला टाई पर है, उसी तरीके से जमीन से जो आवाजें आ रही हैं वहां पर भी मामला बराबरी पर। एबीपी न्यूज पर ओपिनियन पोल के आंकड़ों के जरिए आप यूपी का चुनावी मूड देख रहे हैं, और देखिए इस वक्त जब मैं आपको यूपी का चुनावी मूड बता रही हूं तो उत्तर प्रदेश में चुनावी पारा किस हद तक चढ़ रहा है वो इस बयान के जरिए जरा समझिए। आरएलडी के नेता हैं जयंत चौधरी, उनके बोल बिगड़ गए हैं। वोट से बीजेपी नेताओं की चर्बी उतार दो, ये बयान दिया है जयंत चौधरी ने। सीधे सीएम योगी के बयान पर इसे जयंत चौधरी का निशाना माना जा रहा है, इस रूप में कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कैराना और मुजफ्फरनगर में गर्मी की बात कहते हुए कि मैं मई जून में भी शिमला बना देता हूं, और किस तरीके से अब उसी बयान पर पलटवार जयंत चौधरी ने किया और उनके बोल बिगड़े हैं, जरा सुनिए। योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। जयंत चौधरी ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन एंटम के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। तो आपने देखा किस तरीके से बोल बिगड़े हैं जयंत चौधरी के। जल्दी से क्विक रिएक्शन यहां पर मौजूद खास मेहमानों से लेते हैं। दिबांग, आपसे शुरुआत। मेरे ख्याल से अब ये शुरुआत है, और मुझे लगता है कि जिस तरह के प्लेयर्स हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में, ये अभी बोल अभी और बिगड़ेंगे। वो तो कह रहे हैं कि साहब आप वोट इतना दीजिए कि इनकी चर्बी उतर जाए, तो भी मुझे लगता है कि सीमा के अंदर ही हैं। पर जिस तरह से उससे पहले जो बयान आया कि आप गर्मी निकाल देंगे और शिमला बना देंगे, वो थोड़ा सा मुझे लगता है बॉर्डरलाइन के से। मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव आयोग आप हैं, ये एहसास करवाइए उम्मीदवारों की कि आप हैं, वरना ये स्थिति और आगे बिगड़ेगी। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, बिल्कुल इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन आपने सुना प्रोफेसर बद्रीनारायण किस तरीके से जयंत चौधरी उसी सभा में पहले जिक्र करते हैं योगी आदित्यनाथ का बयान का, और उसके बाद कंटिन्यूएशन में कहते हैं कि वोट देकर इनकी चर्बी उतार दो। रोमाना, ये दोनों ही मुहावरे जिनका इस्तेमाल योगी जी ने और इन्होंने किया है, दोनों ही हिंसा से भरे हुए मुहावरे हैं, दोनों में हिंसा का पुट है। और मुझे लगता है कि ये जनतांत्रिक बहस, चुनाव में जो जनतांत्रिक बहस होता है उसके स्तर को नीचे गिरा रही है। और इस तरह की जो एकदम दिवांग ने सही कहा कि ये तो शुरुआत है, और इस तरह के बिगड़े बोल शायद बढ़ते जाएंगे और ये जनतांत्रिक चुनाव के लिए अच्छा नहीं है। और मुझे लगता है इस तरह के मुहावरों पर भी इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से मुझे लगता है विजय जी बता पाएंगे कि साहब वोटर जो है वो तो शायद आदी हो चुका है इस तरीके के जुमलों का। और यहाँ देखिए ना, आप आर पार पूरी तरीके से, मतलब एक तरफ से बयान आ रहा है, दूसरी तरफ से पलटवार भी उसी अंदाज में किया जा रहा है, डाल डाल पास पास। देखिए कुछ टॉकिंग पॉइंट भी हो जाते हैं, नहीं तो नेताओं के भाषण इतने नीरस उबाऊ होते हैं कि दर्शकों को गुदगुदाने के लिए भी कुछ चाहिए। और जब आपके पास कुछ सार्थक गिनाने के लिए नहीं है, सार्थक बताने के लिए नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि जिस पर जनता विश्वास सहज रूप से कर सके, तो आप इस तरह के एक शॉर्टकट अपनाते हैं। और दिवांग ने सही कहा कि चुनाव आयोग यहाँ क्या करता है, और या चुनाव आयोग को इतनी क्यों नहीं सख्ती बरतता, और ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है।
जयंत चौधरी ने 54 वाला बयान देकर जो अपना कद बढ़ाया था, ये वाला बयान देकर मुझे लगता है कि कद थोड़ा घटाया। बिल्कुल, और मैं दर्शकों को यहाँ पर बता दूं कि जो योगी आदित्यनाथ का बयान था वो गर्मी वाला, उसे लेकर सी वोटर के इसी सर्वे में हमने दिखाया था किस तरीके से जो बहुमत था आंकड़ों का वो ये कह रहा था कि ये बयान गलत है, और अब जयंत चौधरी का ये जो बयान आया है इसे लेकर जमीन से किस तरीके की आवाजें हैं। मथुरा लेकर चलते हैं आपको निधिश्री के पास। निधि जी बिल्कुल, देखिए मथुरा के लोगों से ही मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से जयंत चौधरी ने आज बयान दिया, मथुरा में हम मौजूद है, मथुरा में ही उन्होंने बयान दिया है कि वोट देकर बीजेपी नेताओं की चर्बी उतार दो, ये किस तरीके का बयान? नहीं, ये बयान उनके मुंह से बिल्कुल अशोभनीय बयान मुझे प्रतीत होता है, और वो अगर इस तरीके से जनता को बांटने की बातें करेंगे और चुनाव को इतना सरगर्मी ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे तो जनता भी तैयार बैठी है कि किसकी चर्बी कब उतरेगी वो 10 मार्च को पता चल। आप कैसे देखते हैं इस बयान? ये बयान है, उन्होंने कहा है कि वोट देके हमारे प्रत्याशियों को जिताइए जिससे हमारी सरकार बने और इनकी जो चर्बी बढ़ी है वो सूख जाए, बहुत खा खा के मोटे हो गए। और जहां तक व्यक्तिगत उसकी बात हो विकास की, मैं राष्ट्रीय लोकदल का जिला पंचायत, जब ये चुनाव हार जाएंगे तो तभी तो इनकी चर्बी उतरेगी, चुनाव जीतने के बाद तो और ज्यादा डबल मोटे हो जाएंगे, चर्बी कैसे उतरेगी, चुनाव हारने के बाद उतरेगी। भाषा का स्तर क्या है ये जानना जी, किस तरीके की भाषा का? ये सही भाषा का इस्तेमाल है, हम किसान हैं, किसान हमारे ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तभी समझेगा कि हमारे नेता क्या कहना चाह रहे हैं। ये धमकी भरे जो वक्त हिंदू है और हिंदुत्ववादी पार्टी को सब जाट वोट देगा, जयंत चौधरी जी कोई जयंत चौधरी के बलगलाने से नहीं बलगलेंगे, नहीं देंगे, सब पहले जाट पहले सब हिंदू है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं गर्मी की बात करते हैं, उसका जयंत चौधरी कहते हैं कि गर्मी उतार चर्बी उतार दो वोट देकर, ये किस तरीके? जयंती देखिए, इसको समझने की बात है। जयंत जी का मतलब ये थोड़ी कि मार मार के चर्बी उतार दो भाई, वोट से इनको हरा दो, इनको वोट से हराइए। इससे अंदाजा लगाइए विपक्ष की स्थिति क्या है कि वो कांग्रेस के जो है जयंत जी का समर्थन कर रहे हैं, ये मिले हुए चुनाव लड़ रहे हैं, ये महागठबंधन बना के चुनाव। जी जी बिल्कुल, निधि मैं लौटूंगी आपके पास, और साथ ही दर्शकों को मैं आगे अजय दुबे के पास इटावा लेकर चलूं, उससे पहले जरा एक बार फिर से सुनिए आरएलडी के नेता जयंत चौधरी कैसे उनके बोल बिगड़े। योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। जयंत चौधरी ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। हम सीधे आपको इटावा लेकर चलेंगे अजय दुबे के पास। अजय, अभी तक तो समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा था कि हम तो चुनाव में सिर्फ मुद्दों की बात कर रहे हैं, इधर उधर का बयान कोई हमारी तरफ से दिया नहीं जा रहा है, ऐसे में जयंत चौधरी के ये बेलगाम बोल, आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है, क्या इसे बौखलाहट मानी जाए जयंत चौधरी की? निश्चित ही, और जिस तरीके से ये बात निकलकर सामने आई है, जिस बयान को कोट करते हुए उन्होंने कहा है, प्रतिक्रिया इस पर लेके चलते हैं इटावा के लोगों की, सुना आपने क्या बोला जयंत चौधरी जी ने, क्या कहिएगा उसके ऊपर? बिल्कुल सही कहा है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नेताओं की चर्बी उतार देनी चाहिए, समर्थक है योगी जी ने, बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा कि उस पर ये कहा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, इसमें चर्बी उतारने नहीं, ठंडी गर्मी दूर हो जाएगी, 10 मार्च को मालूम पड़ जाएगा वोट इतना पड़ेगा कि गिनने वाले कम पड़ जाएंगे। 10 मार्च को वोट देकर चर्बी हमारे गठबंधन के नेता, हमारे गठबंधन के नेता ने जिस बात को कहा है तो उनकी मानसिकता नहीं ले सकते, वो वोट के ऊपर उन्होंने कहा है, पब्लिक इस आधार पे वोट देगी, बेरोजगारी के आधार पे वोट देकर के चर्बी उतारी जाएगी। इसकी चर्बी उतारने की बात होगी नेताजी, मुझे बताइए ये कहां लेके जा रहे हैं चुनाव को, भाषा चुनाव की कहां? ये जो योगी जी का कोर वोटर है वो सिर्फ यही भाषा से खुश होता है, कहीं वो हिंदू कर दें, कहीं पाकिस्तान कर दें। इस बार जो चौधरी जी ने कहा उस पर हम सर्वे कर चुके हैं, ज्यादातर आदमी ने कहा था कि बयान गलत है योगी जी का। चर्बी उतारने का मतलब ये है, उन्होंने ये कहा है इनको इतना कर दो कि ये बात को चर्बी उतार के घूमते फिरें,
हम लोग उनके बयान का समर्थन करते हैं। लोकाचार की भाषा में राजनीति कहाँ जा रही है? ये जो भाषा है एक दूसरे के प्रति इतना अपमानजनक लगा हुए, आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको? जो कैडर है कैसे देख रहे हैं? गलत टिप्पणी की है, बहुत गलत टिप्पणी की है, लेकिन योगी जी उसका जवाब देंगे। 10 मार्च को उसका जवाब मिलेगा। बिल्डोजर आएंगे जो जो माफिया टाइप के हैं उनके लिए ये चर्बी अरबी चर्बी निकलेगी, लेकिन माफियाओं की निकलेगी चर्बी। ये योगी जी का कहना है, आम जनता के लिए यहाँ पर क्या है? आम जनता इससे पहले ये था, बीजेपी सरकार से पहले लोग रात को 7 बजे के बाद निकलते नहीं थे घर के बाहर, बहन बेटियां घर के बाहर नहीं जाती थी। आज सब वो जा रहे हैं रात को 10 बजे भी आदमी पहुंच रहा है घर पे। मुंह दुका कर क्यों बात करें? मुंह खोल के बात की। अरे कोरोना है, आप तो खुद ही गलत कर रहे हैं। माफिया पर आप मास्क ऊपर करिए। आप माफिया पर जो कार्रवाई करना चाहते हैं माफिया पर आप कार्रवाई कीजिए। लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, आम आदमी का घर चलाने के लिए आप हमें बजट सत्र अच्छा दे, आप गलत तरीके से ना चले। चर्बी उतार देंगे, कौन सी भाषा है भाई? कैसे जस्टिफाई करिएगा एक दूसरे के प्रति ऐसे अपमानजनक नेता लोग? अपना अपमानजनक बात का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, मैं समर्थन आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों का करता हूँ। मुद्दों को लेकर जो बात कर रहे हैं, मुद्दों को लेकर क्यों नहीं राजनीति में बात होती है एक दूसरे को? मुद्दों को लेकर MSP घटा तो दी गई है, 12% से लेकर 7% कर दी गई है। वो पैसा किसानों तक पहुंचता नहीं है, दलालों के जरिए खत्म हो जाता है, वो डायरेक्ट किसानों के खाते में पहुंच रहा है। और क्या चाहिए? 2.46 लाख करोड़ रुपए किसानों के खातों में पहुँचेगा पैसा। अरे किसानों से लूटा जा रहा है, किसानों से लूटा जा रहा है, किसानों को खाद दी नहीं जा रही है। आप कह रहे किसानों दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे। ये समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल हिंदू मुसलमान कराने का काम किया है। इस तरीके की भाषा की राजनीति में हमारे पिछले ठीक है। और ये यहाँ पर ठीक है अजय, ठीक है अजय, मुझे लगता है इटावा से जरा अलीगढ़ का भी रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा लोहिवाल हमारे साथ मौजूद है। मनोज्ञा जरा पूछिए आपके साथ जो लोग मौजूद हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई ये गर्मी और चर्बी पर क्यों आई? बिल्कुल, अलीगढ़ में जहां पर एक ओर ताला और दूसरी ओर तालीम को कहा जाता है, शहर है रोमाना आप मुझसे बेहतर जानेंगी, लेकिन इसी शहर से आपने पढ़ाई भी की है, लेकिन अगर मैं बात करूं आज इन भाषा और राजनीति की तो कैसे देखते हैं? देखिए भाषा वाकई में गलत है, मगर आप पूरी वीडियो देखिए ना, उस पूरी वीडियो में क्या दर्शाया गया है। आपने छोटा सा हिस्सा आपके पास आया और आप उस हिस्से का हिस्सा चला रहे हैं हम, योगी जी का भी और आरएलडी। देखिए वो किसके विषय में कह रहे हैं, भाजपा के विषय में कह रहे हैं, मगर आपने पूरा नहीं देखा कि भाजपा के किस नेता के विषय में कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद किसानों के लिए कार्य गलत किया है, उन लोगों ने खुद हत्या की है। वोटर भी तो भाजपा ही है, तो उन्होंने वोटर के लिए भी बोल दिया ना। वोटर कौन है? भाजपा का वोटर भी भाजपा ही है। आपने वोटर के लिए बोल दिया, वोटर की चमड़ी मतलब वोटर चमड़ी उतारेगा फिर आपको वोट देगा। पहले तो वोटर चमड़ी उतारा फिर आपको वोट दे, फिर आप हम पे गुंडे दिखाओगे। आपके जो दिमाग में डाला जा रहा है आप सिर्फ उसका काम कर रहे हैं। अभी 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 इनकी सरकार नहीं है तब ये हाल है, सरकार आएगी तो फिर गुंडे दोबारा से होगी नहीं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने को कैसे देखते हैं? शब्द तो खैर गलत है, ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। लेकिन पूरी वीडियो देखिए, लेकिन ना पूरी वीडियो देखिए, हम दिखाएंगे आपको। वीडियो पूरी देखिए, शब्द गलत है, लेकिन देखने के बाद क्लिपिंग निकाली है चैनल ने। इनसे अभी दर्शाते हैं कि ये गुंडे ही चाहते हैं, प्योर गुंडे ही करेंगे ये। अगर गलती से सत्ता में आ भी जाते हैं तो गुंडे ही। ये गुंडे बदमाशों की पार्टी है, इनकी भाषा हमेशा से ऐसे ही रहती है। देश कभी 2 नवंबर को भूलेगा नहीं। ये तो योगी बाबा को झूठे कहने की ठोक दो, कोई और कुछ नहीं कहेगा। क्या चाहते हैं बीजेपी वाले? देखिए जो 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 गुंडे जो 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 गुंडे जो गुंडे ठोके गए हैं, जिनके एनकाउंटर हुए ठोके गए हैं, वो वाकई बदमाश थे। कोई शरीफ आदमी कहीं ठोका नहीं गया है। सरकार आएगी तो जांच होगी, जांच में पाए जाएंगे वो युवा चेता जो छात्रों को तुमने लाठियों से मारा था, तुम भूल गए? आपको मालूम है, आपने जांच करा ली और आपने कह दिया कि वो आपके गुंडों की है। पूरी पार्टी में गुंडे भरे पड़े हुए, मुख्यमंत्री पे मारा मार मुकदमे, अपने मुकदमे खुद वापस कर दिए। गैंगस्टरों को टिकट दी जा रही है जिन पर, लेकिन जब टिकट दी जाती है तब तो ये कहा जाता है इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल? जी जी बिल्कुल, गुंडे वाले शब्द दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। आपकी योगी जी बोले तो ठीक है? नहीं, योगी जी कभी नहीं बोलते। योगी जी के शब्द क्या है ये? ठोका क्या है? अगला ठुकने का नंबर आजम खा का है, वो बाहर आए फिर वो भी ठुकेंगे। गुंडे तो सब ठुकेंगे, हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे, गुंडों को ठोक रहे हैं। गुंडा हिंदू होगा, ब्राह्मण भी बहुत ठुके हैं, ब्राह्मण भी ठुके हैं, क्षत्रिय भी ठुके हैं, सब सारे गुंडे ठुके हैं, हर कास्ट से गुंडे ठुके हैं। सबसे बड़े गुंडे बीजेपी में है
और ये पूरा देश जानता है कि जो गृह मंत्री है अमित शाह वो तड़ीपार है। कोई तड़ीपार नहीं है। सबसे बड़े तड़ीपार बिल्कुल। तो ये गर्मी से लड़ाई चर्बी पर आ गई है। उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई का मिजाज देखिए कहां पहुंच चुका है। चुनावी माहौल में एक तरफ सत्ता पक्ष है जो अपनी उपलब्धियां गिनाता नहीं थकता, दूसरी तरफ विपक्ष है जो इस चुनावी माहौल में सत्ता पक्ष की खामियां गिनाता नहीं थकता। और बावजूद इसके बयान देखिए उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में जो है वो आ रहे हैं गर्मी से लेकर चर्बी तक पर। तो इस तरीके के बयान दिबंग नेताओं के लिए जरूरी है, उनकी मजबूरी मेरे ख्याल से उनकी मजबूरी है। आप काम वाम कुछ करते नहीं है, बताने को आपको कुछ है नहीं, आप चाहते हैं कि लोग इसी बात में उलझे रहें। इतना महत्वपूर्ण मौका है कि आप 5 साल के लिए सरकार चुन रहे हैं लेकिन आप लोगों को उलझा दीजिए ऐसी बयानबाजी में, मेरे ख्याल से बहुत शर्मनाक है राजनीति के लिए, उन राजनेताओं के लिए जो इस तरह के बयान इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल प्रोफेसर बद्रीनारायण, इस तरीके के बयानों से जो असली मुद्दे हैं वो पीछे छूटते चले जाते हैं। बिल्कुल, ये इस तरह के बयान न जरूरी है न मजबूरी है। इस तरह के बयान में नेता जब अपनी प्रेरित करने की शक्ति खो देते हैं तो अपने समर्थकों को आक्रामक बनाने के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ऐसी भाषा के आने पर जो मुख्य मुद्दे हैं विमर्श का यानी चुनावी विमर्श का वो पीछे छूट जाते हैं। और मुझे लगता है मुख्य मुद्दे कमजोर जब उस तरह से काम नहीं कर पाते तो इस तरह के मोबिलाइजेशनल भाषा बोली जाती है। तो मतलब आप दोनों की बात सुनकर मुझे लग रहा है ना नेताओं के लिए ऐसे बयान जरूरी है ना मजबूरी है, बल्कि ऐसे बयान नेताओं की कमजोरी दिखाते हैं। कमजोरी भी दिखाते हैं, कायदे से अगर आपने विकास किया है या विकास का वादा कर रहे हैं तो आपके पास इतना कुछ गिनाने के होना चाहिए कि इन बयानों की नौबत नहीं आई। देखिए रोमाना, राजनीति में हास हो, परिहास हो, व्यंग हो, चुटकी हो, तंज कसना हो, सटायर हो, सब चलता है, लेकिन ऐसे बयान देना जहां हिंसात्मक जिससे चीजें होती हैं, जो नेगेटिव होते हैं, उनसे मुझे लगता है बचना चाहिए। बिल्कुल, इंतजार रहेगा, देखना दिलचस्प होगा कि क्या चुनाव आयोग इस पूरे मामले में किसी तरीके का कोई संज्ञान लेता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज के शो में जुड़ने के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।